अगर हम कंपेयर करें कि अमोनिया ज्यादा वहां पर बेसिक होगा या एथिल एमाइन से वो पॉजिटिव ज्यादा मतलब वहां पर बेसिक होंगे, तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन बेसिक होगा कौन लेस बेसिक होगा, तो उसके लिए हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइन्स। अब यहाँ पर दो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, एक तो मैंने एथिल एमाइन के साथ में लिखा है एच प्लस, तो यहाँ पर वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे लूज बेसिस के जैसे ही काम करेगा, और वही अमोनिया भी यहाँ पर यही काम करेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एच प्लस को या प्रोटोन को है वो ट्रांसफर करेगा। पर यहाँ पर जो ज्यादा ईज के साथ में ज्यादा आसानी से जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा फटाफट जो ट्रांसफर होगा वो होगा एल्काइल एमाइन्स के अंदर। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे रीजन ये है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर प्लस का इफेक्ट है वो शो करेगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पर लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही इजीली आगे वाले जो प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर कर पाएगा, तो यहाँ पर प्लस का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आर है जबकि अमोनिया के अंदर कहीं पर भी आर नहीं आ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ को वहां पर इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू प्लस का इफेक्ट इन एल्काइल एमाइन्स दे विल बी मोर बेसिक, तो ये तो कंपेरिजन हुआ बिटवीन एमाइन्स और अमोनिया के बीच में। अब उसके बाद में अगर वहां पर अमोनिया के एल्काइल एमाइन्स की अगर हम बात करें, अगर गैसेस फेज है, गैसेस फेज का मतलब कि वहां पर पानी नहीं है वहां पर सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर वहां पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो यहाँ पर 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद में होगा 2 डिग्री और उसके बाद में होगा 1 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब वहां पर 3 एल्काइल ग्रुप्स वो प्रेजेंट होंगे, तो वहां पर जो प्लस इफेक्ट है सबसे ज्यादा होगा, इस वजह से वहां पर बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर कर पाएगा। फिर बाद में 2 डिग्री का मतलब वहां पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या होगी थोड़ी कम होगी, और वही अगर 1 डिग्री है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के कंपेरिजन में और भी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर इतना ईज के साथ में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, और सबसे लीस्ट होगी अमोनिया के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई भी आर ग्रुप नहीं है, कोई भी वहां पर हम कह सकते हैं प्लस इफेक्ट देखने को नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, गैसेस फेज के अंदर 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री उसके बाद में 1 डिग्री, बट जैसे ही एक्वस फेज आया, एक्वस फेज के अंदर जब हमने उसको पानी में डिजॉल्व कर दिया तो सिचुएशन कुछ और चेंज हो जाएगी। अब वहां पर जो आपको रिजल्ट मिलेंगे तो उसमें 3 इफेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, तो प्लस का इफेक्ट देखना पड़ेगा, साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, और तीसरा वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट, क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी हमको देखना पड़ेगा। इन तीनों को मर्ज करके जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो वो हमको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, जैसे कि अगर वहां पर आर की जगह मैं लिखूं CH3 मतलब इथाइल ग्रुप लिया, तो वहां पर इन तीनों के बेसिस पे प्रैक्टिकल जब साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा तो उनको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिले कि वहां पर जो 2 डिग्री है वो सबसे ज्यादा बेसिक था। अब यहाँ पर 2 डिग्री क्यों बेसिक हुआ सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर वॉटर के मॉलिक्यूल्स आसपास होंगे, चारों तरफ से अगर उनको सराउंड करके रखेंगे एल्काइल ग्रुप तो, और वॉटर मॉलिक्यूल भी होगा तो उतना इजीली वहां पर जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके इलेक्ट्रॉन से उतना इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से वहां पर क्या होगा कि प्लस इफेक्ट ज्यादा होते हुए भी वहां पर 2 डिग्री ज्यादा बेसिक हो जाएगा, 3 डिग्री है वो बहुत लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काम करेगी इस वजह से, और बीच में आगे वहां पर